ये दाव खेला है उमरान मलिक के ऊपर। 6 गेंदे 17 रन, क्या 3 गेंदों में भी खत्म हो सकता है मैच और 6 गेंदों में भी नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इस मैच के तीनों रिजल्ट हो सकते हैं, इंडिया जीत भी सकती है, इंडिया हार भी सकती है और टाई भी हो सकता है, क्योंकि 16 रन भी बन सकते हैं 6 गेंदों में। 2 छक्के और 1 चौका, बाकी गेंदे डॉट। तो बड़ा एक्साइटिंग मैच हो गया है अब, मज़ेदार कि आखिरी ओवर में 17 रन, उमरान मलिक दौड़ते हुए, और ये देखते हैं शुरुआत क्या करते हैं। ओ डॉट बॉल के साथ शुरुआत, शायद जो उनकी रफ्तार है उसको ध्यान में रखते हुए रूम बनाना चाह रहे थे, ढेर ढेर करना चाहते थे उमरान मलिक को भी, लेकिन अब 5 गेंदों में 17 रन चाहिए। देखिए सोच अच्छी है ये, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि बल्लेबाज अगला पांव खोल के अपने लिए जगह बना रहा है, सबसे पहली सोच यही आनी चाहिए कि उससे दूर लेके चलें आप लाइन, बस यही करना है इस ओवर में। अच्छी रफ्तार है तो फिर उसका भी फायदा मिलेगा। ये फील्डर हैं 3 जो आपने बाउंड्री पे रखे हैं, स्क्वायर लेग पीछे है, मिड विकेट पीछे है, लॉन्ग ऑन आपका बाउंड्री पे, इसका मतलब फाइन लेग जो है वो घेरे के अंदर है। वो देखिए अभी फील्डर आप हिला ही रहे हैं और गेंदबाज कहां तक पहुंच गया। 5 गेंदे 17 रन, एक और बढ़िया गेंद, सही टप्पे पे डाली है, सही जगह पे डाली है, मैं तो कहूंगा लाइन भी सही थी, बहुत ही बढ़िया गेंद और गति भी अच्छी लगी इस बार उमरान मलिक की। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए उन्हें कि उनकी यॉर्कर इतनी अच्छी नहीं गिरती, तो यॉर्कर का प्रयास ना करें। ओ नहीं नहीं नहीं, जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है, 9 बॉल 1 रन तो दिया ही दिया और अगली गेंद फ्री हिट। 5 गेंदे 16 रन, अगर इस गेंद पर छक्का लगता है तो 4 पर 10 रह जाएंगे। मेरे को लगता है डॉकरेल यहाँ अडेयर को कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके जोर से बल्ला ना चलाइए, आप से अगर बड़े हिट नहीं लग रहे तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। डॉकरेल 34 रन बना के खेल रहे हैं, यहाँ तो गैप मिल गया गैप, यही चाहिए इस वक्त, फ्री हिट भी था और उसका पूरा फायदा उठाया अडेयर ने। 4 गेंदों में 12 रन रह गए हैं और एक ऐतिहासिक जीत से केवल 12 रन दूर है आयरलैंड। बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ पीछे था, जरूर कवर्स के बगल से मारा, बहुत बढ़िया टाइमिंग, 4 रन। ये आयरलैंड के दर्शक बहुत खुश हैं क्योंकि भारतीय टीम बहुत बड़ी टीम है और उसके खिलाफ इतने बड़े रन स्कोर को चेज करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आयरलैंड कर पाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये, अगर उमरान मलिक डिफेंड कर लेते उनके लिए भी काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे हैं। छोटी गेंद, बारी किनारा और 4 रन, 3 गेंदे 8 रन। जी हाँ, कभी कभी तेज गेंद डालने का ये नुकसान होता है कि जो एज लगता है वो भी काफी तेज फ्लाई करता है और जो शॉट थर्डमैन था वो भी काफी अंदर था, उसके ऊपर से गई। 4 रन 3 गेंदे 8 रन चाहिए और धड़कने बहुत तेज धड़क रही होंगी इस समय कप्तान हार्दिक पांड्या, कोच वीएस लक्ष्मण और उमरान मलिक की। ये जनाब जो हैं इनको अपनी धड़कनों को अपने वश में करना है, क्योंकि गेंदबाजी यही कर रहे हैं इस वक्त। 3 गेंदे 8 रन, यहां पे आपको अब डॉट बॉल चाहिए, बहुत जरूरी है। दो गेंदे बची हैं और 7 रन चाहिए अब, 2 गेंदों में 7 रन। इस गेंद पे अगर बाउंड्री नहीं आई तो फिर मैच फिर एक बार फंस जाएगा, मजा आएगा आखिरी गेंद पे, मतलब टाई हो सकता है, ये गेंद डॉट जाए, अगली गेंद पर छक्का लगे और मुकाबला टाई, तीनों रिजल्ट आ सकते हैं यहाँ पर, भारत जीत भी सकता है, हार भी सकता है और टाई भी हो सकता है।
ये देखिए आखिरी दो गेंदे मैच की और अभी भी तीनों निर्णय जो हैं वो आ सकते हैं, निकल सकते हैं इस मुकाबले से। दो गेंदे बची हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है और ये है डॉट बॉल। ओ बाल बाल बचे यहां पे, एक ही रन मिलेगा, आखिरी गेंद और छह रन चाहिए अब। आखिरी गेंद और छह रन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत एक रन से मुकाबला जीतेगा क्योंकि छक्के का प्रयास होगा और वो बिल्कुल पास जाकर बाउंड्री के जाएगी, लेकिन ये अगर डायरेक्ट हिट लगती तो जरूर रन आउट होते। थोड़ी सूझबूझ के साथ कीपिंग करनी चाहिए थी ईशान किशन को, क्योंकि एमएस धोनी को हमने देखा है लास्ट के ओवरों में एक ग्लव्स निकाल लेते हैं और अगर ऐसे कोई तेज रन दौड़ता है तो वो फिर डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ईशान किशन ने नहीं किया, दोनों ग्लव्स पहन के ही अंडर आर्म थ्रो किया और वो लगी भी नहीं डायरेक्ट। बस उसी तरह से जड़ में डाल दीजिए एक और शॉट है और फील्डर है, जीत गई है मुकाबला भारत और जलवे बिखेर दिए उमरान मलिक ने, बन गए हीरो, जिता दिया ये मुकाबला। चार रनों से ये मुकाबला भारत ने जीत लिया और 2-0 से जीत ली है ये श्रृंखला। लेकिन मैच बहुत बढ़िया रहा, कमाल का रहा, 221 रन, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आयरलैंड 226 का पीछा करते हुए 221 तक पहुंच जाएगा। चार रन से जरूर जीता लेकिन दिल जीते हैं आयरलैंड ने, मैं तो ये कहूंगा भारत मुकाबला जरूर जीता है, लेकिन बहुत बढ़िया खेला यहाँ आयरलैंड भी, और तारीफ करनी होगी उमरान मलिक की भी, आखिरी ओवर में जिस दबाव में गेंदबाजी की उन्होंने, ये देखिए वो खुशी के लम्हे, एक युवा तेज गेंदबाज के बहुत खुश होंगे, उनका परिवार खुश होगा, हम सब खुश हैं क्योंकि भारत के लिए खेलते हुए उन्होंने भारत को ही मुकाबला जिताया है। यहाँ ये लम्हे उन्हें शायद हमेशा याद रहेंगे, कोच वीवीएस लक्ष्मण खुश, टीम खुश और हम भी खुश। तो भारत ने मुकाबला चार रनों से जीत लिया।